हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। नवरात्रि उत्सव के अवसर पर मंदिर के द्वार खुलते ही प्रथम बार ललिता पंचमी पर श्री पार्श्व प्रभु दिगंबर सैतवाल जैन मंदिर इतवारी में परम पूज्य धर्म सागर जी महाराज की पुण्यतिथि संगीतमय अष्टक पूजन एवं महाआरती कोरोना के नियम पालन कर मनाई गई। इस अवसर पर हारमोनियम पर पंडित हिरासाव कहाते प्रशांत पांडवकर ने तथा तबले पर रविन्द्र महात्मे मंजरी पर प्रभाकर डाखोरे ने साथ दी। प्रमुख उपस्थिति में संस्था के महामंत्री दिलीप राखे सदस्य अशोक पंसापुरे ऋषभ आगरकर महावीर यूथ क्लब परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर जैन पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रदीप तुपकर सचिव विशाल मानेकर संदीप गड़ेकर आशीष भागवतकर विलास मानेकर अनिल मानेकर श्रीमती सुनंदा मानेकर आशा मानेकर रेखा पलसापुरे वैशाली पांडवकर लता तुपकर अश्विनी मानेकर ने दर्ज की। कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्वश्री अनिकेत मानेकर शरद माड़े जितेंद्र स्वप्निल प्रसाद वेदांत मीत युगल प्रज्योत मानेकर ओम दीप प्रणाली गड़ेकर भाविक स्मिता भागवतकर वर्षा पूजा स्मिता प्रज्ञा मानेकर तन्वी प्राची आदि ने प्रयास किया। आभार प्रशांत मानेकर जैन ने माना। अंत में प्रसाद वितरण किया गया। सिंध माता मंडल की ओर से खामला वाली माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मंडल महासचिव व पूर्व पार्षद प्रकाश तोतवानी ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार यह सभी कार्यक्रम आयोजित सादगी से आयोजित किए जा रहे हैं। अखंड ज्योत उपरांत माता भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। रामायण प्रचारक मंडल विध्यांचल धाम काशी की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कथावाचक वेदांती पंडित बाल व्यास आचार्य भक्तों को सुंदर दोहे व कथा प्राचीन प्रसंग को सजीव वृत्तांतों से जानकारी दे रहे हैं। प्रभु श्री राम एवं परशुराम की भेंट का मंचन देखकर भक्तगण भाव विभोर हो उठे। परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच हुआ संपूर्ण प्रसंग वार्तालाप का कलाकारों द्वारा शानदार मंचन किया गया। माता जी श्री राम एवं लक्ष्मण की आरती पूजन प्रकाश तोतवानी युवा क्रांति मंच के पंजू तोतवानी व मंडल सदस्यों द्वारा किया गया। रामलीला संचालक वीपी पांडे रामेश्वर मिश्रा प्रमोद तिवारी मुखिया मिश्रा अनूप शुक्ला सी पटेल अपने अभिनय से भक्तों का मन मोह रहे हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नारायण भोजवानी न्यू पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष परमानंद शंभुवानी ओम प्रकाश वरदानी रवि नासिकवार संतोष खत्री लक्ष्मण खत्री आशु नारायणी राजन रामचंदानी दिलीप चैनानी सहित सदस्यों की उपस्थिति रही। लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की हत्या के विरोध में महाविकास आघाड़ी द्वारा बंद के ऐलान में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचा के मार्गदर्शन में एवं ब्लॉक 16 17 18 के अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ीकर गोपाल पट्टम शकील अहमद के नेतृत्व में शहीद चौक में सैकड़ों कांग्रेसियों ने एकत्र होकर रैली निकाल कर दुकानें बंद करवाई। रैली में शहीद चौक सराफा बाजार टंगा स्टैंड हल्दीराम नंगा पुतला तिगनाल चौक बुधवारी व किरानावली आदि बंद कराए गए। इस रैली में नागपुर शहर युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के साथ में अनेक युवाओं ने भाग लिया। रैली के संबोधन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव नंदा पराते सचिव हैदर अली दोसानी कमलेश समर्थ बोला भेसवारे अन्ना राउत बाना बकोड़े महेश श्रीवास पीटू बागड़ी कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर सेवक रमेश पुणेकर फिरोज खान रवि गाड़गे पाटिल श्रीकांत डोलके रिंकू जैन आशीष दीक्षित मेहुल आडवाणी अभ्य रणदीप रवि कौर स्नेहल सुनील दहीकर मोंटी कंडेजा राजू ताबुतवाला गीता जलगांवकर विजया ताजने पुष्पा पौनीकर नफीसा सिराज बंटी अब्बू मियाँ अभिजीत ठाकरे फयाज कुरैशी शेखर पौनीकर चंदू वकोड़ीकर पवन चौधरी मोंटी मुटकुरे वो आदि उपस्थित थे।
लखीमपुर हिंसा के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, जिसमें आवश्यक सेवाओं को इस बंद के दायरे से बाहर रखा गया था। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुणाल राउत के नेतृत्व में एक स्कूटर रैली उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए बुलाई गयी थी। लोगों ने समर्थन में शामिल होकर स्कूटर रैली कर बंद के लिए अपील किया। मेडिकल स्टोर, दूध आपूर्ति, अस्पताल आदि आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य बाजारों को बंद करने का अनुरोध किया गया था। इस समय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय समन्वयक कृष्ण कुमार पांडे, उपाध्यक्ष रत्नाकर जयपुरकर, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पाटिल, दीपक खोबरागड़े, युवक कांग्रेस महासचिव अजीत सिंह, सचिव आसिफ शेख, सतीश पाली, विजय हजारे, गौतम अंबाडे, चेतन तरारे, सचिन वासनिक, निलेश खोबरागड़े, प्रफुल्ल किरपाने, राकेश इखार, शीलज पांडे, अनिरुद्ध पांडे, चेतन मेश्राम, रॉयल गेदम आदि उपस्थित थे। इस दौरान मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से निर्धारित आंदोलन की जगह पर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को ले जा रहे वाहनों के काफिले ने उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचल दिया। पूरे देश में लोग इस घटना पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हिंसाचार के विरोध में महाविकास अघाड़ी द्वारा घोषित महाराष्ट्र बंद के आह्वान पर नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के आदेशानुसार विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी के मार्गदर्शन में कांग्रेस ब्लॉक एक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ठाकरे और नागपुर शहर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इरशाद अली की प्रमुख उपस्थिति में पूर्व नागपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रभाग 21 में शांतिनगर घाट चौक से मारवाड़ी चौक, सुनील होटल चौक, जगनाड़े चौक में जोरदार प्रदर्शन कर स्कूटर रैली निकाली गई। इस रैली में नरेश भाऊ गावंडे, राजेश भाऊ डेंगे, निर्मला ताई बोरकर, कुंदा ताई हरडे, अर्चना ताई सिडाम, देशमुख गुरुजी, बंसी भाई मलिक, अनवर हुसैन, जावेद अली, इमरान शेख, इरशाद शेख, शहजाद खान, अकरम बेग, रामचंद्र दंडारे, रियाज खान, मनीष उमरेडकर, मनोज नोकरकर, चंदा भाऊ राउत, सुरेंद्र मेश्राम, राजेश खानोरकर, सज्जू भाई, कुणाल चौधरी, धनराज रामटेककर, जुनैद भाई, डोमाजी पोहजे, राहुल कटके, मोहित वासवानी, पीयूष मेश्राम, शेख शमसू भाई, राजू भाऊ वाघ, जाबिर शेख, अमन भाई, विजय बोरकर, अनिकेत हरडे, अंशुल मेश्राम, मारुति निनावे, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक व पदाधिकारी शामिल हुए। व्यापारियों ने भी सकारात्मक सहयोग प्रदान किया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जन सेवा सप्ताह के तीसरे दिन प्रभाग क्रमांक 2 स्थित मानस मंदिर दवाखाने में मरीजों को फल वितरित किए गए, साथ ही जरूरतमंद दिव्यांग महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई। इस अवसर पर संजय दुबे, पार्षद दिनेश यादव, साहेबराव शिरसाट, तुषार नंदागवली, गौतमी सुहास नारनवरे प्रमुखता से मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजन में गणेश यादव, राम यादव, अकील अफसर, आतिश रामटेके, निलेश गजबीये, दुर्गेश पांडे, अजमल अहमद, पलाश लिंगायत, वीरेंद्र यादव, सौरभ सोनटक्के, पुरुषोत्तम बोरकर और सतीश गजबीये की अहम भूमिका रही। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ अमानवीय हिंसाचार के विरोध में महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक दलों ने सोमवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। इस उपलक्ष्य में शिवसेना ने विविध स्थानों पर बंद रखकर घटना के निषेध स्वरूप प्रदर्शन व नारेबाजी की। नागपुर में गोलीबार चौक, भारत माता चौक, सतरंजीपुरा में शिवसेना प्रवक्ता किशोर तन्हेरे की अध्यक्षता में सूरज गोजे, चंदूभाऊ राउत के नेतृत्व में बंद रखा गया। इस अवसर पर शिवसेना प्रवक्ता किशोर कन्हेरे ने कहा कि इस बंद से राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को वाहन से कुचला, उसके विरोध में यह बंद रखा गया है। कन्हेरे ने स्पष्ट किया कि हम इस बंद में कार्यकर्ता के रूप में उतरे हैं। इस बंद प्रदर्शन में राजेश कनौजिया, शंकर बेलखोड़े, पुरुषोत्तम बन, विकास देशमुख, अमित कातुरे, सोहेल अहमद, गुलाम रसूल पोटीवाला, नरेंद्र मगरे, अनिल बोरकर, केतन रेवतकर, धीरज काटे, सागर मौदेकर, सुखदेव ढोके,
राजू रुईकर, देवेंद्र माहुरकर, मनोज नगरधने, राजेश डायरे, राजेश बासुरकर, विक्की नागोसे, अक्षय तलवेकर, नवीन बारापात्रे, सतीश डायरे, निलेश निनावे, रोशन मिटालीकर, पुरुषोत्तम उमरेडकर, शुभम चतुरकर सहित शिवसेना के पदाधिकारी और शिवसैनिक उपस्थित थे। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपक्रम साहित्यिकी में लघु कथा सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा किसले ने की, संचालक संयोजक आदेश जैन ने किया। प्रस्तावना में सह संयोजिका हेमलता मिश्र मानवी ने लघु कथा की विशेषताओं पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में डॉक्टर भोला सरवर, मीरा जोगलेजकर, सुरेंद्र हरडे, कवि तन्हा नागपुरी, इंदिरा किसले, रूपी मिश्रा, मधु, आदेश जैन, हेमलता मिश्र ने विभिन्न विषयों पर एक से बढ़कर एक लघु कथा प्रस्तुत की। नितिन सेलोकर, विजय मिश्रा, डॉक्टर बालकृष्ण महाजन आदि सम्मेलन में उपस्थित थे। शहर के सबसे पसंदीदा ज्वेलरी डेस्टिनेशन दारोटकर्स श्री मेहर ज्वेलर्स ने इस नवरात्रि को और भी शानदार बना दिया है, जहां इसे ग्राहकों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। दारोटकर्स श्री मेहर ज्वेलर्स ने 10 अक्टूबर को अपनी 50वीं वर्षगांठ पर नागपुर में धर्मपेठ झंडा चौक पर अपने सुव्यवस्थित और अत्याधुनिक आलिशान नए शोरूम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शोरूम का उद्घाटन करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। यह शोरूम 4,500 वर्ग फीट जगह में फैला हुआ है, जहां ग्राहकों को खरीदी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। यह सुसज्जित शोरूम अब ग्राहकों के लिए पूरी तरह से खुल चुका है। दारोटकर श्री मेहर ज्वेलर्स अपने उद्घाटन अवसर पर ग्राहकों को ज्वेलरी पर दशहरा तक 9% मेकिंग चार्जेस का ऑफर दे रहा है। शोरूम की विशेषता यह है कि यहां एंटीक, जड़ाऊ ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, हैवी वेट ज्वेलरी तथा एक औरत की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला अनकट पोल की कलेक्शन, नई पीढ़ी को आकर्षित करने वाला ग्रीन ज्वेलरी सिग्नेचर कलेक्शन शामिल है। नए शोरूम में ग्राहकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। नागपुर शाखा ने नवयोग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए सराहना और प्रेरित करने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी मुख्य अतिथि और सुनील अग्रवाल पूर्व उप महापौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से सीए जयदीप शाह, पूर्व अध्यक्ष ICAI ने शिरकत की। दयाशंकर तिवारी ने नवयोग्य सीए और उनके माता पिता को संबोधित करते हुए कहा, आज का युवा नए भारत का चेहरा है। उन्होंने टिप्पणी की कि सीए भारतीय अर्थव्यवस्था के तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें वे इस देश की आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेते हैं कि आर्थिक और वित्तीय प्रणाली स्वस्थ रहे। सीए सरकार की नई विविध और तकनीकी रूप से उन्नत रिपोर्टिंग प्रणाली की रीढ़ है। कोई भी निर्णय लेते समय सभी इनपुट ले और उन्हें उचित आउटपुट देने के लिए लागू करें, तिवारी ने मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना वास्तव में एक बड़ा सम्मान है। तिवारी ने कोविड के समय में सीए समुदाय द्वारा किए गए कार्यों के लिए नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए साकेत बगड़िया की सराहना करते हुए टिप्पणी की। ऑल इंडिया ब्राह्मण संगठन नागपुर महाराष्ट्र शाखा का नवरात्रि उत्सव इस बार ऑनलाइन पर संपन्न हुआ। अध्यक्षा रति चौबे के निर्देशन और संचालन में तथा ऑल इंडिया ब्राह्मण संगठन के महासचिव विपुल उपाध्याय की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि रही। बेंगलोर से भगवती पंत, झांसी से रेखा उपाध्याय एवं भूपत प्रसाद त्रिपाठी नागपुर से विशेष अतिथि रहे। अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ मीना तिवारी द्वारा शंखनाद की मधुर गूंजित ध्वनि के साथ किया गया। पिंकी दुबे ने बड़ी शालीन भाषा में अतिथियों का परिचय दिया। ऑनलाइन मंच करतल ध्वनि से गूंज उठा। तत्पश्चात अध्यक्षा रति चौबे द्वारा 9 देवियों का आवाहन एक सुमधुर देवी गीत लहर लहर लहरा दे माँ
मेरे नाम को तेरे साथ माँ, शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक नौ देवियों का पटल पर आवाहन किया और एक एक देविया जब मंच पर अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ एक दिव्य चेतना का सभी को आभास करवाती हुई आई तो मंच उनके उस ईश्वरीय स्वरूप को देखते भाव विभोर हो गया। जब एक के बाद एक सभी देवियों ने अपने गुण धर्म को बताया तो ऐसा लगा मानो साक्षात्कार देवियों से कर रहे हैं। शैलपुत्री के रूप में शीला दुबे, देवी ब्रह्मचारिणी बनी शानु शर्मा, चंद्रघंटा के रूप में मंजू वाजपेयी, गीता शर्मा कुष्मांडा बन गई तो अंकिता स्कंद माता का रूप धारण कर आई। धंतोली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक महेश चौहान का सीताबर्डी क्षेत्र के नागरिकों ने सत्कार किया। पीआई महेश चौहान द्वारा पदभार संभालने के बाद क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुर्यवंशी, मुकुंद लोंदा से नितिन ठाकरे, स्वप्निल डोगरवार, आनंद प्रधान, मोना मिश्राम, संदीप गुहे ने शॉल, पुष्पगुच्छ और मिठाई देकर उनका सत्कार किया। पीआई चौहान ने नागरिकों के साथ क्षेत्र की समस्याओं और अपराध की स्थिति पर चर्चा भी की। उन्होंने नागरिकों के साथ मिलकर अपराधों पर प्रतिबंध और नियंत्रण पर कार्य करने की बात कही। पूर्व नागपुर में मौजा पूनापुर पारडी भरतवाड़ा के तहत 3,500 करोड़ रुपए की निधि से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया है और पहली सीमेंट कंक्रीट सड़क भवानी माता को समर्पित की गई। भवानी मंदिर समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विधायक खोपड़े को नवरात्रि के अवसर पर सड़क का उद्घाटन करने के लिए धन्यवाद दिया गया। इस नई सड़क से मंदिर क्षेत्र में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण हो गया है और यातायात की एक बड़ी समस्या का भी समाधान हो गया है। नई सड़क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विधायक कृष्णा खोपड़े की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से पूर्व नागपुर में कई बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से एक स्मार्ट सिटी परियोजना है। यह परियोजना 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 1700 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। 151 किलोमीटर की इस परियोजना के तहत सड़क, आवास, पुलिस थाना, उद्यान, दमकल विभाग, अस्पताल, सांस्कृतिक हॉल समेत कई अन्य सामाजिक सुविधाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कई सड़कों के कार्य शुरू किए गए हैं। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की शीर्ष व अग्रणी संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नागपुर की जिलाधिकारी विमला आर को होटल व रेस्टोरेंट व्यवसाय को रात 11 बजे तक शुरू करने की अनुमति प्रदान करने हेतु ज्ञापन दिया। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान सरकार ने अनलॉक में सभी व्यवसायों को शुरू रखने के समय में शिथिलता देते हुए नियमित व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की है, किंतु स्थानीय प्रशासन ने होटल व रेस्टोरेंट शुरू रखने की रात 10 बजे तक ही अनुमति प्रदान की है। पुणे महानगर पालिका ने 11 अक्टूबर से होटल व रेस्टोरेंट को प्रतिदिन रात 11 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है, जबकि पुणे जिले में कोविड संक्रमण का प्रतिशत नागपुर जिले से अधिक है। अगस्त माह से नागपुर में कोविड संक्रमण की दर सतत 0.5 है। चेंबर के सह सचिव स्वप्निल अहिरकर ने कहा कि गत वर्ष भी होटल इंडस्ट्री को नवंबर 2020 से अनलॉक किया गया था तथा मार्च से जुलाई 2021 तक लॉकडाउन के साये में रहा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान इसी व्यवसाय को हुआ है। आज समस्त नागपुर के ट्रांसपोर्टर व चंद्रपुर, वनी, यवतमाल के ट्रांसपोर्टर, सीमेंट, कोयला, फ्लाई एश के ट्रांसपोर्टर की नागपुर ट्रैकर्स यूनिटी के अध्यक्ष कुक्कू मारवाह के अध्यक्षता में होटल प्राइड एयरपोर्ट के सामने संपन्न हुई। इस मीटिंग में सबसे ज्यादा व ज्वलंत मुद्दा यह रहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां व कोयले के व्यापारी बढ़ती कीमतों के अनुसार भाड़े में वृद्धि नहीं कर रही है। अंत एवं ट्रांसपोर्टर को अपनी गाड़ी खड़ी करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं दिख रहा है।
मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अपने वाले दो दिनों हमारे विदर्भ के सभी सीमेंट, स्टील, कोयले, फ्लाई ऐश की कंपनियां को हमारी लिखित मांगे सौंपी जाएगी और उनसे निवेदन किया जाएगा कि 4 दिनों के भीतर हमारी मांगों पर उचित निर्णय लिया जाए, अन्यथा हम सभी ट्रांसपोर्टर सीमेंट, स्टील, कोयला, फ्लाई ऐश की ढुलान बंद कर देंगे। इस बंद से होने वाले नुकसान की जवाबदार सभी सीमेंट कंपनियां, स्टील व कोयला सप्लायर की रहेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत वीर सावरकर उद्यान को सुसज्जित किया जाना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका की आम सभा में पूर्व महापौर संदीप जोशी ने एक नोटिस के जरिए वीर सावरकर उद्यान की बदहाली की जानकारी दी थी। तदनुसार महापौर के निर्देशानुसार सोमवार को वास्तुकला समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे ने वीर सावरकर उद्यान में जाकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर संदीप जोशी और पार्क अधीक्षक अमोल चौरबगार उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व महापौर संदीप जोशी ने वीर सावरकर उद्यान की तमाम समस्याओं से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यान के तमाम लंबित कार्य जल्द शुरू करते हुए खत्म करना चाहिए। इस संबंध में वास्तुकला समिति के अध्यक्ष ने उद्यान विभाग को तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया। समिति अध्यक्ष के निर्देश का पालन करते हुए पार्क अधीक्षक ने तुरंत संबंधित ठेकेदार को पार्क के लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। नागपुर महानगर पालिका और सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से सदर नई बस्ती क्षेत्र में रविवार को दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ कई स्थानीय लोगों ने उठाया। दंत परीक्षण शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नगर सेवक सुनील अग्रवाल, नगर सेवक प्रगति पाटिल, मनपा के अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी उपस्थित थे। महापौर की संकल्पना और पहल से आजादी 75 के अंतर्गत पूरे शहर में 75 डेंटल चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका शहर के नागरिकों को सेहतमंद रखने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को हर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि महापौर नेत्र ज्योति योजना, महापौर दृष्टि सुधार योजना आदि के माध्यम से जरूरतमंदों को निशुल्क सर्जरी का लाभ दिया जा रहा है। डॉक्टरों की एक टीम ने शिविर में भाग लेने वाले नागरिकों का दंत परीक्षण किया। जांच के बाद डेंटल कॉलेज की टीम द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों के दांत साफ करके भरे गए। जांच के दौरान मुंह के कैंसर के खतरे का सामना करने वाले मरीजों का मार्गदर्शन किया गया। कोविड-19 वायरस की संभावित तीसरी लहर के खतरे और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहर में चलाए जा रहे मिशन कवच कुंडल अभियान को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस अभियान के तहत शनिवार और सोमवार को शहर में कुल 31,724 डोज दिए गए। 8 से 14 अक्टूबर तक टीकाकरण के लिए शहर में मिशन कवच कुंडल के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निगम की स्वास्थ्य टीमें तैयार है, मनपा की टीमें वार्ड स्तर पर टीकाकरण पर कार्य कर रही है और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर, इंटर्न और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक भी सहयोग दे रहे हैं। शनिवार और रविवार को 13,088 नागरिकों ने पहला डोज लिया और 18,636 नागरिकों ने दूसरा डोज लिया। शनिवार को 6,685 नागरिकों ने पहला डोज और 11,533 नागरिकों ने दूसरा डोज लिया। रविवार को 6,403 नागरिकों ने पहला और 7,103 नागरिकों ने दूसरा डोज लिया। यह जानकारी मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र हथियार है। शहर में 14 अक्टूबर तक मिशन कवच कुंडल अभियान चलाया जा रहा है। इसका पूरा लाभ लेने का आह्वान महापौर दयाशंकर तिवारी एवं मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने किया है। नागपुर महानगर पालिका की उपद्रव खोजी दल ने सोमवार को एक प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की और हुए 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला।
दल ने 53 मंदिरों, 7 मस्जिदों, 27 स्कूलों एवं कॉलेज और 4 अन्य धार्मिक स्थल समेत कुल 136 स्थानों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी और एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। शहर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मेयो परिसर में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य कई दिनों से लंबित है और इसीलिए परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए इन शौचालयों का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें। महापौर दयाशंकर तिवारी ने निर्देश दिया। इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में मनपा की ओर से बनाए जा रहे सुलभ शौचालयों के कार्यों का जायजा सोमवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने लिया। इस अवसर पर मेयो अस्पताल के डीन डॉक्टर भावना सोनव ने डॉक्टर सागर पांडे, कार्यकारी अभियंता अविनाश बाराहते, कार्यकारी अभियंता सोनाली चौहान, अजय गौर, ब्रजभूषण शुक्ला आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।